हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स की इससे पहली वाली क्लासेस यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो सारी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उसमें जितने भी फॉर्मूले बताए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सब भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो देख लीजिएगा जाकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या प्रूफ करना है हमें? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, वही वाली साइड लेकर चलते हैं जिधर कैलकुलेशन ज्यादा है, ताकि हम आसानी से दूसरी साइड को ला सकें। दिया गया है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, कॉस सी प्लस कॉस डी ये फॉर्मूला लगा देना है यहां, और नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला लगा देना है। तो आपने पहले लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, मीन्स सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। हमारे लिए ये सी है ये डी है, प्लस स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, वो स्क्वायर आपको एज इट इज लगा देना है जैसे लगा हुआ है, प्लस यहां पर भी लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाता है? टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। हमारे क्वेश्चन में सी की वैल्यू अल्फा है और बी की वैल्यू बीटा है, क्लियर? अब देखो स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे सभी के ऊपर लगा लेते हैं स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर आप करते हैं फोर हो जाता है, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ठीक है, यहां पर भी देखिए प्लस टू का स्क्वायर करेंगे आपको फोर मिल जाएगा, तो फोर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ठीक है, अब देखो कुछ वैल्यू कॉमन आ पाएगी पूरे में से, तो टोटल से जो भी कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन ले लेंगे। क्या क्या आ जाएगा कॉमन? फोर दोनों में है, फोर को कॉमन ले सकते हैं आप। यहां कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, यहां साइन है, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, यहां भी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, तो आप इस वैल्यू को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। अब क्या क्या बच जाता है? इधर बचता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, तो आपने लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, प्लस यहां क्या बचता है? यहां ये वैल्यू बचती है, इट मींस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब या ऐसा कहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहां पर भी ये पूरी वैल्यू थीटा है, यहां पर ये पूरी वैल्यू थीटा है, इट मींस इस पूरी वैल्यू मतलब ये टोटल जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? फोर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इन टू वन। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम ही रहेगी वैल्यू, तो हमारी राइट हैंड साइड यही है अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर, क्वेश्चन देखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने दोनों में फॉर्मूला लगाया, कॉमनली वैल्यू जो अंदर बची ये टोटल की वैल्यू हमारी वन हो गई, तो ये बच जाता है, वन से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही वैल्यू आएगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से देख लेना है कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्लियर? चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, उसकी हेल्प से हमें दूसरी इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो ले लेते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन में साइन थीटा और साइन अल्फा में एक रिलेशन है, साइन थीटा साइन अल्फा एम साइन अल्फा, तो और जो हमें प्रूफ करना है वो भी एम साइन थीटा टेन अल्फा में प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम अभी क्वेश्चन। देखो ऐसा हो सकता है कि हम क्वेश्चन में क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं बुक में दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिया गया हो। कैलकुलेशन है, हम आपको बार बार कहते हैं कि कैलकुलेशन आपको जिस टाइप से इजी लगती है आप उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए आप सभी फ्री हैं, कैलकुलेशन जैसे इजी लगती है उस टाइप से कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है दूसरा मेथड देखने के बाद, क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, देन प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है हमें, टेन थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन टेन अल्फा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, इसको लेकर चलते हैं। पहले लिखेंगे गिवन, हमें ये गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है। देखो राइट साइड में यदि देखें तो हमें एन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं यहां से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू निकालने के बाद हम राइट साइड में रख देते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। तो यहां से एन क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं, इट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू एन, ये हो गई हमारी एन की वैल्यू, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन इंटू टेन अल्फा। अब एन की वैल्यू रख लेते हैं, ऊपर भी रख लेते हैं वैल्यू और नीचे भी रख लेते हैं। एन की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, नीचे भी रखेंगे वैल्यू वन माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, और मल्टीप्लाई में लिख देना है टेन अल्फा, यहां लिख देना है आपको टेन अल्फा। कहां से लिखी है ये वैल्यू आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है, बाय वन यूजिंग वन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब देखो इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या वैल्यू बन जाएगी। हमने एलसीएम लिया साइन थीटा प्लस टू अल्फा, ये आ जाएगा एलसीएम, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट मींस साइन थीटा प्लस टू अल्फा प्लस, इसके बाद क्या वैल्यू बचेगी, यहां बचता है साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा। नीचे देखिए, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस टू अल्फा, तो हमने लिख दिया थीटा प्लस टू अल्फा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट मींस साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा था हमारा टेन अल्फा, ठीक है, ये ऊपर है ये, यहां पर टेन अल्फा। अब देखो कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, जो जो वैल्यू कैंसिल हो पा रही है आप उसको पहले कैंसिल करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा प्लस टू अल्फा, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी साइन थीटा प्लस टू अल्फा प्लस साइन थीटा। नीचे देखिए साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा, ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। अब साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं ऊपर, ये पूरी वैल्यू सी, ये डी, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी,
क्या हो जाता है फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। नीचे भी लगाते हैं सेम फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, यहां कॉस आ जाता है यहां साइन आ जाता है, इट मीन्स टू कॉस थीटा प्लस टू अल्फा माइनस प्लस थीटा अपॉन टू, ठीक है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी थीटा प्लस टू अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू और मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा, ठीक है, ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं। यहां से देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, इधर देखिए आप थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां भी थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं कैंसिल नहीं हो पाएंगे वैल्यू, तो क्या करेंगे देखो ऐड कर लेते हैं, ऐड हो रही है तो ऐड कर लेंगे, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, नीचे भी थीटा प्लस थीटा टू थीटा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन टू थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन टू, आगे कॉस टू अल्फा अपॉन टू, नीचे भी कॉस टू थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन टू, लिख देते हैं, हमने इसको लिखा साइन टू थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस टू अल्फा अपॉन टू, नीचे भी लिखेंगे टू कॉस टू तो कैंसिल हम कर ही चुके हैं, कॉस थीटा प्लस टू अल्फा मीन्स टू थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन टू इंटू साइन टू अल्फा अपॉन टू इंटू टेन अल्फा, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो इस टू से ए टू कैंसिल हुआ, इस टू से ए टू कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, ऊपर देखिए इससे टू कॉमन लिया जा सकता है, नीचे से भी टू कॉमन लिया जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन टू कॉमन लिया थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस, यहाँ अल्फा हुआ, नीचे देखिए कॉस यहाँ से भी टू कॉमन लेंगे थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू, यहाँ लिखा हुआ है टेन अल्फा। अब देखो यदि आप पूरे क्वेश्चन को देखो तो पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में चल रहा है और यहाँ लिखा हुआ है टेन, तो आप टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आपने tan को लिख दिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी, यहां पर भी देखिए टू से टू कैंसिल, इस टू से ये टू कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और आप जानते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यदि कहीं बनता है तो वो टेन थीटा हो जाता है, तो हमने इसको लिखा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन, तो टेन थीटा प्लस अल्फा विच इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखा दी, ठीक है, तो जो भी साइड इजी है जिस साइड को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप उस साइड को लेकर चलिए और दूसरी साइड लाकर दिखा दीजिए, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देखो हमें इस फॉर्म में दिया गया है, चार वैल्यूज हैं, चारों प्लस में दी गई हैं, ठीक है, चारों वैल्यूज प्लस में दी गई हैं और हमें तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई में प्रूव करनी है, तो देखिए कैसे लेकर चलते हैं, हमें एडजस्ट तो उसी टाइप से करना है जो जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमें दो पेयर्स को एक साथ लिख लेना है, हमें प्रूव ये करना है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स, साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स, देखिए हमें टू फोर सिक्स चाहिए,
इसका मतलब हमें इससे बड़ा एंगल नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, उसी टाइप से दोनों पेयर बनाएंगे कि हमें इससे बड़ा एंगल ना मिले। यदि हम फिलहाल इन दोनों में लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा, माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा, जो कि दोनों हैं हमारे पास। लेकिन यदि हम इन दोनों को लिख लें 5 + 7 = 12 हो जाता है, 12/2 = 6 हो जाता है, ठीक है 6 हो जाता है। इसका मतलब हमें इन दोनों को साथ लेकर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद। तो क्या करेंगे फिर वही कर देते हैं, देखो इसको और इसको साथ में ले लेते हैं और इसको और इसको साथ में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं इन दोनों को साथ में, क्योंकि यदि हम इन दोनों को साथ लेंगे तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा, 6/2 = 3 हो जाता है, तो 3 भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ऐसे ही 7 + 3 = 10 हो जाता है, तो 5 भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा, लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x साइन 7x। नीचे देखिए, नीचे तो नहीं है खैर यही वैल्यू। अब हमने लिख लिया साइन एक्स प्लस साइन 7x, इन दोनों को एक साथ लिखा, इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, तो प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता क्या है, 2 sin C + D / 2 ये होता है। तो हमने लगाया 2 sin x + 7x / 2 × cos x - 7x / 2, ठीक है आगे भी लिखते हैं, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 sin 3x + 5x / 2 × cos 3x - 5x / 2। क्या क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, देखो वैल्यू आ जाती है 2 sin 8x / 2 cos - 6x / 2 sin 8x / 2 × cos - 2x / 2, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या लिखा, इससे ये कैंसिल हुआ 4 times, इससे ये कैंसिल हुआ 3 times, ये कैंसिल हुआ 4 times, ये कैंसिल हुआ 1 times। कॉस माइनस थीटा को साथ साथ प्लस थीटा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin 4x cos 3x। यहाँ लिख देते हैं रीजन क्या है इसका, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है ये इसका रीजन है। प्लस 2 sin 4x cos x, इन दोनों से हमें साइन 4x कॉमन ले लेना है, साइन 4x नहीं 2 sin 4x, ठीक है 2 के साथ कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 sin 4x। क्या बचता है, cos 3x प्लस cos x, ठीक है cos 3x प्लस cos x, यहां पर cos 4x नहीं था एक्चुअली, यहां sin 4x था, ठीक है sin 4x था जो हमें प्रूव करना था उसमें। अब देखो ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, अब इन दोनों में लगा देते हैं फॉर्मूला, तो क्या बनेगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इधर लिख देते हैं हम 2 sin 4x, आपको एज इट इज लिखना है। यहां लगाया cos c प्लस cos d, तो 2 cos 3x + 4x / 2 × cos, चलिए यहां लिख देते हैं नीचे, इंटू कॉस 3x + x / 2 3x - x / 2। देखिए क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, 3x + x आप जानते हैं 2x होता है, 3x + x 4x होता है, 4x / 2 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे, साथ ही यदि 3x में से x आप माइनस करेंगे तो 2x बनता है, 2x / 2 = x हो जाता है, तो हमने इसको लिखा 2 sin 4x × 2 cos 4x / 2 × cos 2x / 2, ठीक है इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ 2 times, क्लियर 2 × 2 = 4 sin 4x cos 2x cos x, या
जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, 4 cos x cos 2x cos सॉरी sin 4x, ठीक है। पहले छोटा वाला एंगल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने एंगल्स। क्लियर? तो बात समझ में आ गई कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, प्रूफ करना है इस बार भी। क्या प्रूफ करना है? टेन में दी गई है वैल्यूज और हमें कॉस में लाकर दिखानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन को। यदि हमें वैल्यू 10 में दी गई है और हमको कॉस में लाकर दिखानी है, तो आप जानते ही हैं 10 को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया, ये लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री प्लस ए इंटू टेन 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 2 cos 2a प्लस 1 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 2 cos 2a माइनस 1। क्या करना है देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan 60 डिग्री प्लस a 60 डिग्री माइनस a, लेफ्ट हैंड साइड tan 60 डिग्री प्लस a इंटू टेन 60 डिग्री माइनस ए। अब देखो टेन, या तो हम यहाँ ऐसा करें कि टेन 60 डिग्री प्लस ए को अलग सॉल्व कर दें, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी दोनों को अलग अलग लगा लें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस ए अपॉन कॉस 60 डिग्री प्लस ए, लिख सकते हैं हम ऐसा। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है टेन साइन 60 डिग्री माइनस ए अपॉन कॉस 60 डिग्री माइनस ए, ठीक है। यदि हम दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो क्या मिला, साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए, नीचे भी कॉस 60 प्लस ए कॉस 60 माइनस ए। तो यहाँ पर भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लगा दें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, ये तो ये फॉर्मूला लगा दें, या फिर एक और मेथड है जो हम अभी फॉर्मूले यूज करते आ रहे हैं। क्या था, हमने अभी लिखे थे फॉर्मूले लास्ट टू लास्ट क्लास में, कॉस टू साइन ए साइन बी, क्या हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे ही हमने एक और फॉर्मूला लिखा था टू कॉस ए कॉस बी, ये क्या था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आपका कॉस की फॉर्म में मिलेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये दोनों फॉर्मूले बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी टू साइन 60 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए, नीचे भी देखिए ये हो जाएगा टू कॉस 60 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए। अब देखो आप टू साइन ए साइन बी, पहला वाला फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, तो हमने इसको लिखा कॉस 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐड करना है तो एज इट इज ऐड कर लेंगे, इन ब्रैकेट्स की आवश्यकता नहीं है। तो हमने लिखा 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, नीचे 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या कहता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो हमने इसको लिखा कॉस ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, इट मींस 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो पा रहे हैं उसे कैंसिल करेंगे, माइनस ए प्लस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए प्लस ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या बचता है हमारे पास, 60 प्लस ए हमें वो चाहिए आंसर, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया है, आपने टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है, इस टेन को भी लिख दिया साइन अपॉन कॉस,
इसके बाद हमने वो दोनों फॉर्मूले, क्योंकि हम जानते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, या तो आप ऐसा कहिए या फिर आप ऐसा कहिए 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो हमने यही किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारी फॉर्म बन जाती है ये वाली, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो हमने फॉर्मूला लगाया, ऊपर भी लगा दिया और नीचे भी लगा दिया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर? इतना समझ आया? अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां से जो कैंसिल हो पा रहा है उसको हमने कैंसिल कर दिया है, यहां से ए कैंसिल हो रहा था तो हमने यहां से ए कैंसिल किया, यहां से भी ए कैंसिल हो पा रहा था तो हमने यहां से भी ए को कैंसिल किया, तो हमारे पास वैल्यू बची कॉस, यहां पर देखो माइनस है बाहर ब्रैकेट से, तो 60 प्लस ए माइनस 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस माइनस कॉस 120 डिग्री। 60 प्लस 60 आप ऐड कर लेंगे, आपको 120 डिग्री मिल जाएगा। नीचे देखिए, यहां पर है आपका कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस ए, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट जैसे ही हम खोलेंगे अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 60 प्लस ए। अब देखो जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है आप उनको कैंसिल कर देंगे, यहां से भी माइनस 60 प्लस 60 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 60 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बचती है कॉस ए प्लस ए 2a माइनस कॉस 120 डिग्री। नीचे भी देखिएगा आप, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 2a। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अब बात आती है कॉस 120 डिग्री की, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती क्या है? आपने क्या किया, कॉस 120 की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिख दिया 90 प्लस 30। ठीक है, हमने आपको सिखाया था ये भी कैसे सॉल्व करते हैं जब आप चैप्टर पढ़ाया था अलाइड एंगल्स वाला, तो 90 डिग्री प्लस 30 लिख दीजिए, या आप इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, 180 में से 60 घटाओगे तब भी 120 बचता है, 90 में 30 आप ऐड करते हैं तो भी 120 मिलता है। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा सॉरी प्लस थीटा ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब यदि हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में थीटा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो आपको यहां वैल्यू रख देनी है, इट मींस कॉस 120 की वैल्यू यहां से आती है माइनस 1/2। तो आपने रखी वैल्यू कॉस 2a माइनस माइनस 1/2। नीचे भी रखते हैं वैल्यू कॉस 120 माइनस 1/2 प्लस कॉस 2a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां भी एलसीएम ले लेना है और यहां भी एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लिया आपने, यहां पर एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट मींस 2 कॉस 2a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1। नीचे देखिएगा, यहां पर एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 1 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 कॉस 2a, ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमारे पास वैल्यू बची 2 कॉस 2a प्लस 1। नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 कॉस 2a माइनस 1, यही वैल्यू प्रूफ करनी थी हम। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया राइट हैंड से। क्लियर? तो आपको समझ आ गया आपको इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर देना है। ठीक है, टेन में दिया गया है, आंसर कॉस में है, तो टेन को आप साइन कॉस में बदलेंगे, देन ये फॉर्मूले बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो क्लियरली समझ आ गया आपको ये। चलिए हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमें इसी टाइप से सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन कॉस की फॉर्म में ही है क्वेश्चन, तो यहाँ पर 10 में था, हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया, उसके बाद फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, फिर हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं दोनों को लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर तो साइन साइन कॉस कॉस में था तो दोनों फॉर्मूले कॉस में बन गए, ऐसा भी हो सकता है साइन कॉस दोनों ही आ जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है
प्रूव दैट साइन एट थीटा कॉस थीटा, साइन एट थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा साइन सिक्स थीटा, कॉस थ्री थीटा साइन सिक्स थीटा। नीचे दिया गया है कॉस टू थीटा कॉस थीटा, टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थ्री थीटा साइन फोर थीटा, थ्री थीटा साइन फोर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है ये टेन टू थीटा। ठीक है, तो क्या करना है आपको इसमें? देखो यदि आप देखें तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है जैसे हम लिख देते हैं साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी, तो क्योंकि सारे एंगल्स अलग अलग दिए गए हैं। जब इस टाइप की कंडीशन बनती है तो आपको सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी होती है जो हमने अभी की थी। अभी फिलहाल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली माइनस कॉस थ्री थीटा साइन सिक्स थीटा, नीचे भी लिखेंगे कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थ्री थीटा साइन फोर थीटा। देखो हमें करना क्या है, हमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देना है, या ऐसा कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, टू साइन एट थीटा कॉस थीटा माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू में हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी टू कॉस थ्री थीटा साइन सिक्स थीटा। नीचे भी देखिए टू कॉस टू थीटा कॉस थीटा, टू साइन थ्री थीटा साइन फोर थीटा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, यहां पर फॉर्मूला लगा देना है आपको, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, चारों ही फॉर्मूले आ जाते हैं आपके यहां पर। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, दो टर्म इधर बनेंगी दो टर्म इधर बनेंगी, तो एक एक टर्म सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सेम कंडीशन नीचे भी है तो यहां पर भी एक एक टर्म सेम बनेगी और वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो टर्म्स बचती हैं एक टर्म इधर से एक इधर से, ऐसे ही नीचे भी बचेंगी, उनमें फॉर्मूला आपको लगा देना है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टेन टू थीटा मिल जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर कंपाउंड एंगल्स, इसमें ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाता है, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है कंपाउंड एंगल्स। जितने भी फॉर्मूले थे हमने सभी आपको बताए, सब सारे फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। अब देखिए, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, उतना ज़्यादा समझ पाएंगे आप। ठीक है, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस की, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।